उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते सभी क्षेत्रों में ठंड बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती ठंड की वजह से सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। खास तौर पर सांस संबंधित बीमारियां इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कोविड के अलर्ट के बाद लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। इसी मुद्दे को लेकर दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सांस संबंधित परेशानी होने पर चेकअप जरूर करवाएं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि हम लोग मान के चलते हैं कि जाड़े हैं तो अच्छा मौसम आ चुका है, लेकिन इसमें दो तीन प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्यूशन है वो जमता है हवा में, तो ऐसे में जो पुरानी मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, स्पेशली TB के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, कैंसर है, शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है या बड़ी उम्र है, ऐसे लोगों में फ्लू होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। और नॉर्मली भी फ्लू इन दिनों देखा जा रहा है कि चल रहा है, तो बाकी सभी भी लोग भी उस तरह की बीमारियों को ज़रूर ध्यान में रखें। और ऐसे में अपने एक तो पानी पीना हम लोग कम कर देते हैं, उसके भी ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बनाए रखें शरीर में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नए साल आने वाला है, आ ही रहा है, तो अभी सेलिब्रेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो पर्यटन भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बीमारी का आदान प्रदान बढ़ जाता है। तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम अगर जुकाम, खांसी, बलगम या बुखार और सांस फूलने की है, तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखाएं, जिससे हम लोग वो जांच करा सकें कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज के लिए और एक प्रॉपर इलाज मिल पाए। तो आप सबके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा।